So book value is the value or amount which is written on the account book. जब भी आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो, परचेस करने के बाद उस कोई अकाउंट बुक होता है आपकी कंपनी के पास, मार्केट कंपनी के पास मैनेजर के पास अकाउंट बुक होता है, उस अकाउंट बुक में आप उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू लिखते आते हो, हर साल की वैल्यू लिखते आते हो, ताकि आप अगर इनकम टैक्स दे रहे हो तो उस अकाउंट बुक में जहाँ जो भी वैल्यू लिखे हुए हैं उसके हिसाब से आप इनकम टैक्स दो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक कंपनी है, कोई एक कंपनी है, उसने एक गाड़ी खरीदी है, दैट इज़ ऑफ 10 लाख। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार खरीदी है, उसमें 10 लाख की वैल्यू है। सो उसने कितने रुपये में परचेस की, द परचेस प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर द कार इज 10 लाख रुपीज। तो उसी टाइम जो आपका मैनेजर होगा वो अकाउंट बुक में उसकी वैल्यू लिखेगा कि भाई वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ एट इनिशियल स्टेज इज 10 लाख। सो जो इनिशियल स्टेज होता है या फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर भी नहीं कह लें इसको, जीरो ईयर कह लें तो ये बेहतर होगा। तो ज़ीरो ईयर में जो भी परचेज प्राइस होता है वही बुक अकाउंट वैल्यू होता है, बुक वैल्यू होता है। लेकिन उसके बाद बुक वैल्यू डिफरेंशिएट होता जाता है, चेंज होता जाता है। वो चेंज कैसे हो जाता है, बिकॉज द बुक वैल्यू इज़ टोटली डिपेंडिंग ऑन द डिप्रिसिएशन। सो 2 साल के बाद जो भी बुक वैल्यू होगा वो डिप्रिसिएशन को निकाल के उसके बाद होगा। एक यहाँ पर एक, इट इज़ जनरली कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर एंड द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच गिवन ईयर इक्वल्स द इनिशियल कॉस्ट माइनस द टोटल डिप्रिसिएशन अमाउंट टिल दैट ईयर। ठीक है कि भाई इनिशियल कॉस्ट जितना भी हुआ माइनस थ्री टोटल अच्छा इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, या तो बुक वैल्यू फॉर द प्रीवियस ईयर माइनस डिप्रिसिएशन ऑफ दैट ईयर, या बुक वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ईयर माइनस टोटल डिप्रिसिएशन अप टू दैट ईयर। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ऐसे कैलकुलेट करना है तो ऐसे समझो कि आप टोटली 5 साल के लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हो, 6 साल के लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हो, 6ठे साल के लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हो, 7वें साल के लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तभी इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि पहले साल में कितना बुक वैल्यू है, दूसरे साल में कितना बुक वैल्यू होगा, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, तो ये फिर इंडिविजुअल में फिर बुक वैल्यू फॉर द प्रीवियस ईयर माइनस डिप्रिसिएशन विल बी इक्वल टू बुक वैल्यू फॉर द प्रेजेंट ईयर, जिसे मैंने आपको इस तरीके में बताया। सो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ओके। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द डिप्रिसिएशन अमाउंट, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं एक्चुअली। सो देर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन। सो कौन कौन से मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड, सम ऑफ द ईयर्स मेथड एंड डबल डिक्लाइन मेथड। वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। इन दिस मेथड इट इज अज्यूम दैट द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट विल डिक्रीज बाय सेम अमाउंट एवरी ईयर ओवर द यूजुअल लाइफ टिल इट्स सेल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू इज रीच। मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन मेथड तब हम यूज करते हैं जब ये कंडीशन हो। कौन सा कंडीशन हो? कि उसकी किसी भी एसेट की डिप्रिसिएशन कांस्टेंट रेट पे डिक्रीज हो रही हो। कैसे? कि भाई कोई भी आपने इक्विपमेंट परचेज किया या एसेट परचेज किया, उसकी वैल्यू है 10,000 या 10 लाख, चलो 10,000 ले लेते हैं। सो फर्स्ट ईयर में उसकी डिप्रिसिएशन आई 500 रुपीज़, सेकेंड ईयर में भी 500 रुपीज़ डिप्रिसिएशन आई, थर्ड ईयर में भी 500, फोर्थ ईयर में भी 500, फिफ्थ ईयर में भी 500। मीन्स कि डिप्रिसिएशन यूनिफॉर्म रेट पे डिक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्म रेट पे सेम हो रहा है। सो उस कंडीशन में हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं, जब डिप्रिसिएशन सेम हो। यूनिफॉर्म रेट पे कब नहीं होता है? फॉर एग्जांपल कोई कंडीशन है कि आपने कोई भी इक्विपमेंट लिया 10,000 का, सो फर्स्ट ईयर में उसकी डिप्रिसिएशन आई 500, सेकेंड ईयर में उसकी डिप्रिसिएशन आई 600, थर्ड ईयर में 400, फोर्थ ईयर में 700। सो अगर ऐसे नॉन यूनिफॉर्म डिप्रिसिएशन है तो उसमें हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ नहीं करेंगे, उसमें सेकंड मेथड सम ऑफ द ईयर्स मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एजम्पशन क्या है? इट इज़ यूज्ड व्हेन द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट विल डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट एवरी ईयर ओवर द यूजफुल लाइफ टिल इट्स सेल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू इज रीच। जेस ताईं उन्हें जी लाइफ खत्म न थे तेस ताईं, अगर यूनिफॉर्म रेट में उन्हें जी डिक्रीज अचे पई, डिप्रिसिएशन अचे पई, तो उन्हें उन कंडीशन में असा स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना से।
In other words, the book value of asset decreases at a constant rate with the time period. Same share, the expression for annual for calculation of annual depreciation with the help of this Sterland method is DM is equal to P minus S upon A, means the depreciation will be equal to purchase price minus salvage value divided by total number of years or life of the equipment or life of asset. Purchase price minus salvage value divided by the equipment life or the asset life in the years by with the help of this particular expression we can calculate depreciation value. Ek example solve karenge usme फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो स्ट्रेट लाइन मेथड मेरे ख्याल में क्लियर है. सिर्फ यूनिफॉर्म रेट के लिए हम यूज़ करते हैं. यूनिफॉर्म रेट पे अगर डिप्रिसिएशन हो रही हो तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करेंगे. सेकंड है सम ऑफ द ईयर्स मेथड. सम ऑफ द ईयर्स मेथड इज एन एसिलेटेड डिप्रिसिएशन मेथड जिसमें डिप्रिसिएशन की जो रेट है वो बहुत तेज़ी से हाई होती जा रही हो, मीन्स जल्दी से उसकी वैल्यू कम होती जा रही हो, तो उस सिचुएशन में हम सम ऑफ द ईयर्स मेथड यूज करेंगे. ठीक है, इट इज एन एसिलेटेड डिप्रिसिएशन मेथड. इन दिस मेथड द एनुअल डिप्रिसिएशन रेट फॉर एनी ईयर इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट इन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट बाय सम ऑफ द ईयर्स ओवर द यूजफुल लाइफ. नीचे जो एक्सप्रेशन गिवन है इस ये जो सेंटेंस गिवन है इसका फॉर्म है. सो डिप्रिसिएशन विल बी इक्वल टू purchase price minus salvage value multiplied by years and digit जितने साल या जो जिस साल का आप depreciation calculate करना चाह रहे हो उसका digit आप रखोगे. For example second year का अगर calculate करना चाह रहे हो तो यहाँ पर 2 लिखोगे, third year का calculate करना चाह रहे हो तो 3 लिखोगे, इस तरीके. divided by sum of years means जितने साल भी हैं उसका sum. 5 साल है तो 5 सालों का सम 1+2+3+4+5 15. सो डिवाइडेड बाय उतना रखेंगे. इसके लिए भी एग्जांपल है लेकिन आपको इस स्टेज पे आपको क्लियर होना चाहिए कि जब डिप्रिसिएशन एसिलेटेड अमाउंट में हो तो उस मेथड में हम सम ऑफ द ईयर्स मेथड यूज़ करते हैं. डबल डिक्लाइन मेथड भी सेम मेथड है. SOY जो सम ऑफ द ईयर मेथड है उसकी तरह है. इसमें भी जब एसिलेशन या जो डिक्लेरेशन है वो फास्टर रेट पे हो तो उस कंडीशन में हम डबल डिक्लाइन मेथड यूज़ करते हैं. इसके कैलकुलेट करने का फार्मूला कैसे है. DM द डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू 2 अपॉन n. n इज एक्चुअली द नंबर ऑफ ईयर्स आर इक्विपमेंट लाइफ एंड बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. सो बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जीरो ईयर की करना चाह रहे हो तो परचेज प्राइस माइनस द डिप्रिसिएशन. अगर फर्स्ट ईयर की करना चाह रहे हो तो बुक वैल्यू फॉर द जीरो ईयर माइनस द डिप्रिसिएशन. बुक वैल्यू अगर फर्स्ट ईयर की कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो बुक वैल्यू, अच्छा सेकंड ईयर की कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो बुक वैल्यू फॉर द फर्स्ट ईयर माइनस डिप्रिसिएशन. इस तरीके से आप बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर या किसी भी ईयर का आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, मेरे ख्याल में आवाज़ आपको चलो ठीक है, अब सही है. सो देर इज एन इक्विपमेंट एग्जाम्पल रिलेटेड टू दी थ्री मेथड्स, द स्ट्रेट लाइन मेथड, सम ऑफ द ईयर मेथड एंड डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड. सो एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इन तीनों में फ़र्क क्या है. ठीक, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट इज अवेलेबल फॉर परचेज फॉर 12,000 pounds. ठीक है, इट हैज़ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years एंड हैज़ एन एस्टिमेटेड सेल्वेज वैल्यू ऑफ $2,000. कोई इक्विपमेंट है जिसकी परचेज प्राइस है 12,000. ठीक है, और 5 साल उसकी लाइफ है. 5 साल के बाद उसकी जो प्राइस बचेगी जाके दैट विल बी $2,000. जो सेल्वेज वैल्यू है, जो लास्ट में जो भी वैल्यू बचेगी दैट विल बी $200. हम बोल रहे हैं कि डिटरमाइन द डिप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू फॉर ईच ऑफ द 5 years. 5 साल लगातार जो भी 5 साल लगातार ईयर्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, इन 5 सालों के लिए आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करो और बुक वैल्यू कैलकुलेट करो. डिप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करोगे तो आपको बुक वैल्यू ईजीली आ जाएगा. सो अब कैलकुलेट करते हैं.
with the help of the straight line method, sum of the year method and double decline balance method. माइंड में रख लें कि एक इक्विपमेंट है जो 12,000 में उन्होंने परचेज किया, $12,000 में परचेज किया, उसकी लाइफ 5 साल है और अगर 5 साल के बाद उसकी जो एंड वैल्यू बचेगी दैट विल बी 2000. सो यहाँ पर है स्ट्रेट लाइन मेथड, द फर्स्ट मेथड. कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका जो फार्मूला था दैट वाज पी माइनस एस अपॉन एन. सो फर्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं. फर्स्ट मेथड में हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू. सो फार्मूला क्या है, डिप्रिसिएशन विल बी इक्वल टू परचेस प्राइस माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स. सो परचेस प्राइस कितना था, कितने रुपीज़ में उन्होंने इक्विपमेंट खरीदा था, 12,000 में, और सैलवेज वैल्यू कि भाई एंड वैल्यू उसका कितना होगा, 2000. सो सिंपली यहाँ पर फार्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे. सो अगर D1 कैलकुलेट करना चाह रहे हो, मीन्स D1 इज द डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर. डिप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर विल बी इक्वल टू द पी माइनस एस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ईयर. सो पी इज एक्चुअली 12,000 माइनस एस इज 2000 डिवाइडेड बाई 5. सो द डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर विल बी इक्वल टू 2000. एज दिस इज द स्ट्रेट लाइन मेथड, इसमें क्या अज्यूम किया जाता है कि डिप्रिसिएशन हर ईयर में यूनिफॉर्म होता है. तो यहाँ पर देखें, D1 में कहीं भी कैलकुलेट करोगे फिर भी 2000 आएगा. D2 के लिए भी सेम 2000 आ रहा है, D3 के लिए भी सेम 2000 और D5 के लिए भी सेम 2000 आ रहा है. इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है D1 to 5, मींस फर्स्ट ईयर से लेकर 5 ईयर तक जो डिप्रिसिएशन है दैट इज 12,000 माइनस 2000 अपॉन 5 व्हिच इज इक्वल टू सिंपली 2000. सो द डिप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर इज 2000, जैसे यहाँ पर टेबल में भी हमने मेंशन कर लिया है. ऐसे हमने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, सिंपल है. फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे आपको डिप्रिसिएशन आ जाएगा. अब कैलकुलेट करते हैं बुक वैल्यू. सो द बुक वैल्यू के लिए फार्मूला क्या था, द परचेस प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन, परचेस प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन. सो यहाँ पर देखें, ये है परचेस प्राइस 12,000, ठीक है, और डिप्रिसिएशन आ रहा है 2000 का हर साल में. सो 12,000 माइनस 2000 विल बी इक्वल टू 10,000. दिस इज बुक वैल्यू फॉर द फर्स्ट ईयर. 10,000 माइनस 2000 इक्वल टू 8,000. दिस इज द बुक वैल्यू फॉर द सेकंड ईयर. इसी तरीके से आप सिंपली द बुक वैल्यू फॉर द प्रीवियस ईयर माइनस डिप्रिसिएशन विल बी इक्वल टू द बुक वैल्यू फॉर द नेक्स्ट ईयर. से यहाँ पर सिंपली यहाँ पर गिवन है कि अगर फर्स्ट ईयर के लिए आपको डिप्रिसिएशन चाहिए तो प्रीवियस ईयर का बुक वैल्यू दैट इज 12,000 माइनस डिप्रिसिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर विल बी इक्वल टू द बुक वैल्यू फॉर पर्टिकुलर ईयर. इसके लिए यहाँ पर फार्मूला भी गिवन है. इस फार्मूले को यूज़ करके भी आप बुक वैल्यू निकाल लो तब भी सही है, टेबल से डायरेक्ट आप यहाँ से कैलकुलेट करते जाओ तभी सही है. ऊपर वाले को इससे माइनस करके सामने वाला आपके पास आपके आ जाएगा. 10,000 माइनस 2,000 इज इक्वल 8,000. 8,000 माइनस 2,000 इज इक्वल 6,000. ये कैलकुलेट करने में यहाँ से आसानी है, लेकिन फिर भी आपको फार्मूलाज आपको पढ़ना पता होना चाहिए. बुक वैल्यू फॉर द फर्स्ट ईयर इज द परचेज वैल्यू माइनस डिप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू फॉर द सेकेंड ईयर इज बुक वैल्यू फॉर द फर्स्ट ईयर माइनस डिप्रिसिएशन. ठीक है. सो स्ट्रेट लाइन मेथड इज वेरी इजी मेथड. फिर मैं आपको कंपैरिजन भी बताता हूँ कि इन तीनों में कंपैरिजन क्या है. सो द सम ऑफ द ईयर्स मेथड, सम ऑफ द ईयर मेथड का फार्मूला क्या है, द डिप्रिसिएशन DM इज इक्वल टू ईयर डिजिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ द ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय P माइनस एस मीन्स परचेज वैल्यू माइनस सेलवेज वैल्यू. अच्छा ईयर लेफ्ट, इट इज एक्चुअली ईयर्स लेफ्ट. अच्छा यहाँ पर मुझे इसको थोड़ा सही कर लें इसको. लेफ्ट ईयर डिजिट या ईयर्स लेफ्ट डिजिट ऐसे कह सकते हैं, मीन्स जो भी साल बचे हों उसका डिजिट. ठीक है, अगर D1 का
आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन, इसका मतलब है 5 साल अभी बचे हैं। डी टू का निकाल रहे हो तो मीन्स 4 साल अभी रिमेनिंग है। डी थ्री का निकाल रहे हो तो मीन्स 3 साल अभी रिमेनिंग है। डी फोर का तो 2 साल अभी रिमेनिंग है। डी फाइव का मीन्स फर्स्ट ईयर, लास्ट ईयर है वो, ठीक है। सो दी डिप्रिसिएशन विल बी इक्वल टू लेफ्ट ईयर डिजिट, मीन्स जितना भी साल लेफ्ट बचा है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द ईयर्स इन टू पी माइनस एस। सो डी वन विल बी इक्वल टू दी, अगर प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय दी पी माइनस एस, पी इज 12,000 परचेस प्राइस माइनस सेल्वेज वैल्यू इज 2,000, दैट विल दिस मच अमाउंट, जितना भी है 333.33 डॉलर्स। सेकेंड ईयर के लिए अगर निकालें दैट विल बी 4/15, 15 इज एक्चुअली सम दी मल्टीप्लाई बाय 10,000, यहाँ पर डायरेक्ट 10,000 इसने रख है, 2,000 निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू 10,000, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पर इतना आ जाएगा 266.67। डी थ्री के लिए ऐसे निकालोगे, डी फोर के लिए सिमिलरली, डी फाइव के लिए सिमिलरली, सिंपल है। सो डिप्रिसिएशन जितना भी आया आपके लिए फर्स्ट ईयर पे जितना आया वो यहाँ पर प्लेस करोगे, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का। बुक वैल्यू भी इस पर्टिकुलर मेथड में सेम मेथड फॉलो करते हैं कि बुक वैल्यू फॉर द करंट ईयर विल बी द बुक वैल्यू फॉर प्रीवियस ईयर माइनस डिप्रिसिएशन। सो 12,000 माइनस 3,333.33 विल बी इक्वल टू दिस मच अमाउंट, सेम प्रोसीजर सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे बुक वैल्यू कैलकुलेट करने का, जो भी हमने प्रीवियस में फॉलो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ बुक वैल्यू एंड डिप्रिसिएशन फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। ओके, नाउ द सेकंड मेथड, द लास्ट मेथड, थर्ड मेथड इज द डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड। डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड में जो हम फॉलो करते हैं फार्मूला, दैट इज 2/ नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इन टू बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईच। बुक वैल्यू मीन्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मीन्स अगर सेकेंड ईयर की निकाल रहे हो तो बुक वैल्यू ऑफ सेकेंड, बुक वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ईयर माइनस डिप्रिसिएशन। अगर थर्ड ईयर की निकाल रहे हो तो बुक वैल्यू फॉर द प्रीवियस ईयर माइनस डिप्रिसिएशन, जितना भी है। तो इस तरीके से आप बुक, ठीक है, आए इसको कैलकुलेट करते हैं। डी वन बी इक्वल टू 2/ एन, एन इज एक्चुअली दी 5 बिकॉज टोटल नंबर ऑफ ईयर्स आर 5, मल्टीप्लाई बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग। सो स्टार्टिंग में जो बुक वैल्यू होती है दैट विल बी पहले साल में या जीरो ईयर में जो भी बुक वैल्यू होगी होती है दैट इज इक्वल टू द परचेज प्राइस। सो परचेज प्राइस इज 12,000, सो डी वन डिप्रिसिएशन विल बी इक्वल टू 48,000, हो गया 48,000। सेकेंड ईयर में दैट विल बी 2/5 मल्टीप्लाइड बाय बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर विल बी परचेज प्राइस पी माइनस डिप्रिसिएशन ऑफ, सो डिप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर कितना था 4,800। यहाँ पर इसलिए इसने 12,000 माइनस 4,800 लिखा है, 4,800 लिखा है। तो फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर द डिप्रिसिएशन विल बी 2,880। डी थ्री के लिए भी सेम है, द 12,000 माइनस, नाउ व्हाट इज एक्चुअली मेन पॉइंट हियर इन कैलकुलेटिंग डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड। देखें डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड में हमें, अच्छा, हमारे पास जो सेल्वेज वैल्यू अलाउएबल है दैट इज $2,000, ठीक है। यहाँ पर लेकिन ये बुक वैल्यू शो कर रहा है 2,000 से कम भी बुक वैल्यू शो कर रहा है, 15,055 भी इसने शो किया, 933 भी शो किया। इसका मतलब है कि दिस मेथड इज द इनएक्यूरेट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द डिप्रिसिएशन वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर देखें
हमें अवेलेबल है कि 2000 से नीचे आप नहीं जा सकते, क्योंकि 2000 ही इसका स्क्रैप वैल्यू या बुक वैल्यू होना चाहिए या सर्वेज वैल्यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है। तो इसको अगर हम करेक्शन फैक्टर अप्लाई करें करेक्ट करने के लिए, तो दैट विल बी दिस। इस तरीके से देखें 2592 आ रहा है इसको, तो इसको इस ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए तो ओके है, लेकिन लेस देन 2000 होगा तो उसको हम अज्यूम करेंगे कि डिप्रिसिएशन बेस्ड ऑन सर्वेज वैल्यू फॉर द विल बी आल्सो द 2000। इसी तरीके से इसी पर्टिकुलर फिनोमेना से हम डिप्रिसिएशन भी उतना ही अलो करेंगे। यहाँ पर डिप्रिसिएशन 592 अलो करेंगे, बिकॉज 2592 माइनस 2000 विल बी इक्वल टू 592। सो इसलिए यहाँ पर हमने 592 प्लेस किया है। सो अगर 2000 से क्या निकालें कि 2000 ही बचे, तो दैट विल बी द जीरो पॉइंट्स, जीरो पॉइंट डॉलर्स हम यहाँ पर रखेंगे, इसलिए हमारा जो बुक वैल्यू है वो 2000 बचेगा। इसलिए यहाँ पर हमने डिप्रिसिएशन, सो 592 यहाँ से आया, 2592 माइनस 2000 करोगे तो 592 आ जाएगा, और जीरो इज 2000 माइनस 2000 इज विल बी इक्वल टू जीरो। जैसे हम बुक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, 12000 माइनस 4800 विल बी इक्वल टू 7200। इसी तरीके से इस सिचुएशन को भी ऐसे ही हमें हैंडल करना पड़ेगा। सो अगर कंपैरिजन करें तो डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड इज द मोस्ट इनएक्यूरेट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन वैल्यू। अच्छा, अगर तीनों का कंपैरिजन करें, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में ये इन्होंने अजम्पशन दिखाया है कि हर ईयर में डिप्रिसिएशन यूनिफॉर्म हो रहा है, और जितना भी डिप्रिसिएशन हो रहा है, दैट इज 500 या 200 यूनिफॉर्म रेट पे डिप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कंपैरिजन गिवन है इन तीनों मेथड्स का, दैट द स्ट्रेट लाइन मेथड इज मोस्ट इनएक्यूरेट मेथड बिकॉज इट शोज इक्वल डिप्रिसिएशन ईच ईयर व्हेन रियलिटी द ग्रेटेस्ट डिप्रिसिएशन अकर्स इन द फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, पर्टिकुलरली द फर्स्ट। है ना, कॉमन डिप्रिसिएशन होता ही नहीं है, यूनिफॉर्म डिप्रिसिएशन होता ही नहीं है। फर्स्ट ईयर में ज़्यादा डिप्रिसिएशन हुआ, उसके बाद डिप्रिसिएशन कम होती जाती है या ज़्यादा होती जाती है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ओके, सम ऑफ द ईयर मेथड SOY मेथड सीम्स टू बी एप्रोप्रिएट ऑफ प्रेजेंटेड मेथड्स, बट इट डज नॉट इंडिकेट द ट्रू लेवल ऑफ डिप्रिसिएशन इन द फर्स्ट ईयर। ये भी इतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी इट सीम्स टू बी द मोस्ट एक्यूरेट मेथड बिकॉज इट डू नॉट शोज एनी प्रॉब्लमेटिक साइंस। उसके अलावा दैट इज द थर्ड मेथड, द मेन प्रॉब्लम ऑफ डबल डिक्लाइन मेथड इज दैट इट कैन डिप्रिशिएट बिलो द सर्वेज वैल्यू बिफोर इट्स सर्विस लाइफ। ठीक है ना, सर्विस लाइफ एंड होने से पहले भी वो सर्वेज वैल्यू से कम आपको डिप्रिसिएशन दे देता है, सो दैट इज ऑल्सो इनएक्यूरेट मेथड। ठीक है, ये तीनों मेथड्स थे, इनको थोड़ा बहुत आप खुद भी पढ़ लेना। ओके, दिस इज होमवर्क फॉर यू, दैट इनिशियल कॉस्ट ऑफ अ प्राइस इज दिस मच, सर्वेज वैल्यू इज दिस मच, एंड द टोटल लाइफ इज दिस मच। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द बुक वैल्यू एंड डिप्रिसिएशन बाई यूजिंग SL मेथड, SOI मेथड एंड DDB मेथड। ठीक है, दिस इज होमवर्क फॉर यू।